नमस्कार, जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेना प्रमुख भदौरिया ने पीएम मोदी को दी स्थिति की जानकारी, बोले कोविड-19 संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम हैं तैयार। पीएम मोदी ने की वायुसेना के कर्मचारियों के सुरक्षित रहने की कामना, बोले संकट के समय देश की सेनाओं की सेवाएं होंगी अहम। केंद्र सरकार ने जारी किया नए NCT कानून का नोटिफिकेशन, अब दिल्ली के LG के पास सरकार से ज्यादा होंगी शक्तियां। दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले LG की लेनी होगी मंजूरी, बढ़ सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के नए चरण को लेकर सरकार सतर्क, तैयारियों को लेकर अमित शाह की अगुवाई में आज होगी बड़ी बैठक। एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के जरिए भारत की मदद करेगा संयुक्त राष्ट्र, एंटोनियो गुतारेस बोले भारत के हालात पर अधिकारियों की नजर। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी हो सकता है कोरोना, एम्स के डायरेक्टर बोले अगर पारंपरिक लक्षण दिखे तो भी लें दवा। डॉक्टर गुलेरिया बोले कोरोना का नया स्ट्रेन हद से ज्यादा खतरनाक, संक्रमित के संपर्क में केवल 1 मिनट रहने से ही दूसरे को हो रहा है संक्रमण। कनाडा ने भारत के लिए $1 करोड़ की मदद का किया ऐलान, कहा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी सहायता। भारत की मदद के लिए चिकित्सीय सामग्री भेजेगा दक्षिण कोरिया, कोरियाई नागरिकों को वापस लाने के लिए उड़ानों को दी अनुमति। ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को विदेश से लाने के लिए वायुसेना ने कसी कमर, अभियान के मोर्चे पर C-17 ग्लोब मास्टर्स एयरक्राफ्ट किए गए तैनात। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फासी ने किया दावा, का कोरोना के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करती है कोवैक्सीन। यूपी में पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की गई जान, हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर यूपी सरकार को भी लगाई फटकार, का कोरोना का भूत सड़कों पर मार्च कर रहा, लोगों की जिंदगी भाग भरोसे। अदालत बोली माई वे या नो वे का रास्ता छोड़े होगी सरकार, लोगों के सुझाव पर दे ध्यान, ऑक्सीजन ना दे पाना शर्मनाक। पुडुचेरी सरकार ने 3 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का लिया फैसला, सभाएं और शराब की सभी श्रेणियों की दुकानें रहेंगी बंद। यूपी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए निजी क्षेत्र से मिले 54 प्रस्ताव, सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को सहयोग करने के दिए निर्देश। कोरोना संकट के बीच अब सिंगापुर ने बढ़ाया मदद का हाथ, मेडिकल ऑक्सीजन लेकर 2 विमान पहुंचे भारत। भारत बायोटेक ने महाराष्ट्र की उद्योग सरकार को दी जानकारी, का 6 महीने में कोवैक्सीन की 85 लाख डोज देने को तैयार। भारत बायोटेक ने सरकार से की एडवांस पेमेंट सिस्टम की मांग, कंपनी ने कहा ₹600 की पड़ेगी वैक्सीन की एक डोज। अभिनेता सोनू सूद ने शुरू किया फ्री कोविड हेल्प कैंपेन, अब घर बैठे करा सकेंगे टेस्ट और ले सकेंगे डॉक्टर्स की सलाह। कोरोना पीड़ित मजदूरों को 10,000 की मदद देगी केजरीवाल सरकार, सभी की RT-PCR रिपोर्ट की सरकार करेगी जांच। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का निधन, कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई में चल रहा था इलाज। राजस्थान में ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते हालात बेकाबू, ऑक्सीजन की कमी से जयपुर बीकानेर कोटा में 10 ने तोड़ा दम। दिल्ली से यूपी बिहार के लिए कल से चलेंगी नई समर स्पेशल ट्रेनें, यात्रा करने के लिए एडवांस टिकट बुकिंग कराना होगा जरूरी। कोरोना की जंग में अभिनेता अजय देवगन ने बढ़ाए मदद के हाथ, BMC को दान किए ₹1 करोड़, बनेंगे 20 कोविड बेड। अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने की मदद, कोरोना से जंग के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए दान। कानपुर में बिल्लो रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में गार्ड की हालत गंभीर। मालगाड़ी का आखिरी वैगन घिसटता हुआ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, दुर्घटना के बाद कानपुर फरकावर रेलवे रूट हुआ बाधित। पुलिस के सामने पेश नहीं हुई महाराष्ट्र की IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला, अवैध फोन टैपिंग मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए किया था तलब। AMU मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल को पिछले 4 दिनों से नहीं मिल रहा एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर। महाराष्ट्र के अस्पताल में लीक हुई ऑक्सीजन पाइपलाइन, कर्मचारियों के तुरंत हरकत में आने से बची 14 मरीजों की जान। यूपी में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए कल होगा मतदान, चुनाव कर्मचारी मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। महामारी के दौरान जेलों में भी भीड़ कम करने के लिए याचिका दायर, याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से की अस्थायी रिहाई की मांग। राहुल गांधी ने लोगों से की एक दूसरे की मदद करने की अपील, बोले मदद को बढ़ाइए हाथ, अंधे सिस्टम को दिखाइए सच। क्या इनामी बदमाश लालू यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से बदमाशों की गोलियों से बचे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र में पुलिस कमांडो के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, कमांडो को गट्टा जंगल में नक्सल रोधी अभियान के दौरान मिली सफलता। मथुरा की अदालत में कई कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित, 30 अप्रैल तक सभी अदालतों में बंद रहेगा कामकाज। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 11% रहेगी भारत की वृद्धि दर, ADB ने कहा आर्थिक सुधार के लिए बढ़ सकता है जोखिम। नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति न करने वाली 3 एजेंसियों को नोटिस, जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने दी जानकारी। प्रख्यात बांग्ला लेखक अनीश देव का कोरोना से निधन, PM मोदी ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना की गंभीर स्थिति पर जताई चिंता, बोले महामारी से चरमरा रही अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था।
संजय राउत ने की उद्धव ठाकरे के प्रबंधन की प्रशंसा, बोले महामारी से रोकने के लिए देश भर में लागू किया जाए मुंबई जैसा मॉडल। प्रतिदिन 50 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगी उर्वरक कंपनियां, इफको गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स करेगी सहयोग। रेमडेसिविर की तरह प्रयोग होने वाली मोलनुपिराविर का उत्पादन बढ़ाएगी मर्क, भारत के 5 दवा निर्माता कंपनियों के साथ किया करार। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार कप्पन को लेकर यूपी सरकार को दिया निर्देश, का इलाज के लिए दिल्ली किया जाए शिफ्ट। बिजनौर की स्वयंसेवी संस्था सारथी हमने कराया निर्धन कन्या का विवाह, शादी में सिलाई मशीन वाटर कूलर दिए जरूरी सामान। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के अस्पताल में भिजवाया ऑक्सीजन टैंकर, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के सहयोग से मेदांता पहुंचा टैंकर। इंदौर में रोक के बावजूद आयोजित किए जा रहे शादी समारोह, प्रशासन ने 2 मामलों में वर वधू के परिजनों के खिलाफ दर्ज किया केस। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत, विज्ञापन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए की केस दर्ज करने की मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।